हेमा मालिनी से हॉट सीन करवाने चाहते थे सुभाष घई, धर्मेंद्र ने धो डाला। अभिनेता धर्मेंद्र वैसे तो काफी शांत और शरीफ इंसान माने जाते हैं, लेकिन जब मामला हेमा मालिनी का हो तो पाजी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। 1981 में फिल्म क्रोधी के निर्माण के दौरान निर्देशक सुभाष घई ने हेमा की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि धर्म पाजी ने उन्हें सेट पर ही बुरी तरह धो डाला। 1981 में सुभाष घई ने धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शशि कपूर को लेकर फिल्म क्रोधी के निर्देशन की शुरुआत की। उन दिनों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के इश्क में गोते लगा रहे थे। जाहिर है इसका असर फिल्म पर भी पड़ रहा था। सुभाष घई सेट लगाकर धर्मेंद्र और हेमा के शॉट का इंतजार करते, जबकि दोनों अपने कमरे में इश्क फरमा रहे होते। जाहिर है इससे सुभाष घई को काफी परेशानी हो रही थी। इससे घई और धर्म पाजी के बीच तनातनी शुरू हो गई। धर्म जी जब भी शॉट देने आते, घई उन्हें अंग्रेजी में लिखी लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट थमा देते, जिससे पाजी को बार बार रीटेक करना पड़ता। इस वजह से धर्म जी घई से नाराज चल रहे थे। इस तनातनी को फिल्म का हिस्सा मानकर दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। एक दिन घई ने हेमा मालिनी से कहा वो उन पर एक स्विमिंग पूल सीन फिल्माना चाहते हैं। इसलिए उन्हें बिकनी पहननी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हेमा मालिनी तैयार नहीं हुई। घई का कहना था कि ये फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से जरूरी है। घई के बार बार जोर देने पर हेमा मालिनी बुरी तरह नाराज हो गई। तब घई ने इस शॉट में थोड़ा सुधार करते हुए बिकनी की जगह हेमा को ऐसी ड्रेस पहनने के लिए कहा जो काफी रिवीलिंग थी। हेमा मान गई और इस सीन को फिल्मा लिया गया। आखिरकार बात धर्मेंद्र तक पहुंच ही गई। गुस्से से आग बबूला हुए धर्मेंद्र ने सेट पर ही घई को एक के बाद एक कई तमाचे जड़ दिए और उनकी गर्दन पकड़ ली। इस फिल्म के निर्माता रणजीत विर्क थे, जो धर्मेंद्र के रिश्तेदार था। उनकी गुजारिश पर धर्मेंद्र ने घई को चेतावनी देते हुए इस सीन को फिल्म से हटाने के लिए कहा और सुभाष घई को ये करना ही पड़ा।